नमस्कार, तुसी देख रहे हो सुपर न्यूज़ 24/7। चंडीगढ़ की सीमा के नाल लगते पिंड चामपुर अते बलोलपुर विखे खेतीबाड़ी वाली जमीन ते अनअधिकारिक कलोनियां कट्टन दा गोरखतन दा राजनीतिक अते प्रशासनिक शह नाल जोरां ते चल रहा है। कमाल की गल तो यह है कि इन्हां कलोनियां विच बिजली पानी के कनैक्शन तक संबंधित सरकारी महकमे वालों मुहैया करवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कलोनियां अनअधिकारित मनिया जांदियां हन, जिस ते किसी भी अधिकारी की नज़र नहीं पैंदी। लेकिन कलोनियां बनन तो बाद इन्हां नूं ढाउण लई नोटिस जरूर जारी कर दिते जांदे हन, लेकिन किसी बिल्डर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल विच नहीं लियांदी जांदी। जदों इस संबंध विच ईओ गमांडा नाल गलबात कीती तां सुनो की कहना है ईओ गमांडा पवित्र सिंह जी दा। मेरा नाम पवित्र सिंह है जी, PCS हैगा जी। मैं इस टाइम इतने मेरे को चार्ज ईओ प्लॉट्स का हैगा, तो ईओ रेगुलेटरी का चार्ज है जी। सर कुछ कंप्लेंट्स आ रही सी मोहाली के सराउंडिंग एरिया ने, स्पेसिफिक एरिया जो है चामपुर के नेड़े कोई गुरु नानक एनक्लेव है, उत्थे नजायज उसारी हो रही है, वो कलोनी अप्रूव नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज नहीं है, सीवरेज नहीं पाया हुआ है उसे, सो उस बारे कोई जानकारी है जी। वैसे तो मैं सारे जिन्ने भी मीडिया तो सारे नुमाइंदे साहबान आए, मैं दसदा पिछले हफ्ते भी असी उत्थे डेमोलिशन ड्राइव जी वो चलाई सी, जिहड़ियां उत्थे नजायज जिहड़ियां वो सारियां सी उन्हां नूं असी डेमोलिश कीता सीगा। जिहड़ा तुसीं स्पेसिफिकली एक कलोनी बारे गल कर रहे हो, मैं उहदा दफ्तरी जिहड़ा रिकॉर्ड तो पता कीता हैगा, उहदे विच इह है कि उहदा एक हिस्सा जिहड़ा पुराना हैगा उहदे मुतलका एक तां माणयोग हाईकोर्ट दे विच केस चल रहा हैगा, वो जिहड़ा अंडर एडजुडिकेशन हैगा। दूसरा जिहड़ा नवीं साइट ते जिहड़ी नजायज उसारी हो रही है उहदे मुतलका जिहड़ा हैगा, असीं एक तां सब रजिस्ट्रार मोहाली नूं ऑलरेडी असीं लिख चुके हैं कि इस एरिए दीआं जिहड़ियां रजिस्ट्रियां टोटल बंद कीतियां जाण ते ना रजिस्ट्री जिहड़ी है सेल्ड कोई भी एग्जीक्यूट ना होवे। दूसरा यह है कि असीं ACA साहिबान दे लैवल ते उहनां नूं जिहड़े आ नजायज उसारी दे नोटिस जिहड़े आ ओह कढ चुके, और जे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम साढ़े कोल कोई नहीं जवाब आउंदा तां डेफिनेटली जिहड़ा हैगा असीं उस नजायज उसारी दे खिलाफ असीं कार्रवाई करांगे। एक सर जो बुढ़ा अपने कोई भी कार्रवाई करता है इस तरह की कलोनिया की उसारी के मामले में बार बार किया जाता है, उसे बोर्ड लगाए जाते हैं, नोटिस पाए जाते हैं, और वो कितने भी ना तो बोर्ड दिखाई देते हैं ना नोटिस दिखाई देते हैं, ये लगता नहीं प्रॉपर उसे बोर्ड लगे होना चाहिए कि इलीगल चीज़ है, मतलब इतने लोग ना बोर्ड बकायदा उसे लगाया जाता है, बट तुम इस वैल इमेजिन कर सकते हो कि कुछ शरारती अंसर है जोड़े वो बोर्ड में उतार के साइड पर रख देंगे या जोड़ा भी असं चस्पा करते हैं उत्थे नजायज उसारी का उन्हों फाड़ देंगे है, बट वो एक साडा वन ऑफ द वे हैगा एग्जीक्यूशन का, बट यह है कि अगर वो नजायज उसारी नहीं रुक रही तो डेफिनेटली असी जी कार्रवाई डेमोलिशन की असी करते हाँ। बट जेकर कोई सर डिपार्टमेंट लैवल से भी कोई इनवॉल्वमेंट आती है कि प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती है जो कुछ करके रोक देता तो उन्होंने भी कार्रवाई होगी। देखो ऐसा कोई ध्यान च नहीं आया, साडा जिहड़ा फील्ड स्टाफ है जिहड़ा एग्जीक्यूटिंग स्टाफ है साडे SDO हैगे आ साडे JEEs हैगे आ वह पुख्ता उत्ते जांदे हैगे आ और जिहड़ी नजायज सारियां हैगियां उन्हां नूं ढा के आउंदे आ, बट हाँ जे तुहानूं लगदा है कि हाँ कोई किसे लैवल ते साडे किसे मुलाजम की कोई इनवॉल्वमेंट होगी डेफिनेटली आई विल ब्रिंग इन टू द नोटिस ऑफ हायर ऑफिशियल्स ऑल्सो, डेफिनेटली कार्रवाई होगी। सर एक रजिस्ट्री होर भी क्लोज लिखा जाता उन्होंने बोलो एक स्पैशल लाइन अंडरलाइन की जाती है कि यह प्लाट असं तुम्हें बेच रहे हैं, जेकर इसके बावजूद बुढ़ा गवांडा कोई भी सरकारी अथॉरिटी ये कार्रवाई करते हैं डेमोलेट करते हैं तो असं बेचने वाला नहीं हो। मैं ये वास्ते माफ़ी चाहूँगा जी, जे अगर कोई रजिस्ट्री के जी लाइन इंसर्ट होंगी है तो वो सब रजिस्ट्रार साहब भी दस सकते हैं, मैं जिम्मे पहला भी थोड़ा दसिया असी ऑलरेडी सब रजिस्ट्रार मोहाली में असं लिख चुके हैं कि इस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਸਰ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨੂੰ ਕੋਡਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੇਰਾ ਇਜ਼ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸੋ हाले जब तक यदि कोई रेगुलराइजेशन बारे कोई गल नहीं चलती तो साढ़े वास्ते नजायज़ है। हाँ थैंक यू सर।